कार्तिक ऑफिशियल दौरे पर स्टेट प्रोटोकॉल के साथ देखा गया। अच्छा, इस मुकद्दर जगह पर इस औरत ने अपने सर तक को नहीं ढांपा हुआ था। हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल। और आज हम लेके आए हैं फर्स्ट टाइम मिनिस्ट्री ऑफ हिंदू फीमेल विजिट्स मदीना। और साथ में इसमें जो फोटो है वो स्मृति ईरानी जी की है, तो वो देखना होगा कि ऐसा कब हुआ है, क्योंकि ये खबर तो मेरे कानों में भी नहीं आई है। और साथ में ये बात है कि स्मृति ईरानी जी मदीना गई तो उनका क्या वेलकम हुआ, क्या चीज हुई, वो बहुत सारी चीजें शायद हमें इस वीडियो में पता चले। और मेरे को लगता है कि स्मृति ईरानी को सभी जानते हैं, पहले वो एक्ट्रेस थी और उसके बाद अब वो पॉलिटिक्स में है, तो उनका मतलब कि काफी रिस्पेक्ट करते हैं लोग। लेकिन मुझे जहां तक लगता है कि वो हिंदू ही है, तो वो मदीना में कैसे गए? और हम सभी को पता है कि मदीना में नॉन मुस्लिम्स अलाउड नहीं है, और अगर स्मृति ईरानी मदीना गई है तो डेफिनेटली उन्होंने अपना रिलीजन या तो कन्वर्ट किया होगा तभी वो गए हैं। पता नहीं ये क्या है, वो तो वीडियो को देखने के बाद ही पता लगेगा। तो स्टार्ट करते हैं। मुतनाजा समझी जाने वाली भारतीय अकलीती उमूर की वजीर स्मृति ईरानी ने मदीना मुनव्वरा का दौरा किया है, जहां उन्होंने हज 2024 के लिए भारत और सऊदी अरब के माबैन मुहादे पर भी दस्तखत किए हैं। हिंदुस्तानी वजीर बराए अकलीती उमूर स्मृति जुबीन ने मदीना मुनव्वरा का दौरा किया। स्मृति जुबीन ईरानी पहली गैर मुस्लिम खातून है जिन्होंने मदीना मुनव्वरा का दौरा किया। स्मृति जुबीन ईरानी ने मस्जिद नबी, ओहद के पहाड़ों और मस्जिद कुबा का दौरा भी किया। यूनियन मिनिस्टर फॉर माइनॉरिटी अफेयर्स स्मृति ईरानी हैज रिसेंटली विजिटेड मदीना ड्यूरिंग हर टू डे ट्रिप। शायद मक्का में जाना अलाउड नहीं है, मदीना में अलाउड होगा जाना। बाय मिनिस्टर स्टेट फॉर एक्सटर्नल अफेयर्स वी मुरलीधरन। She has also interacted with the Indian Hajj pilgrims and Umrah pilgrims from India. मक्का और मदीना शहर दुनिया के हर मुसलमानों के लिए सबसे अहम और मुकद्दस तरीन शहर हैं। और जब कोई चीज़ खास होती है तो इसका खास किस्म का प्रोटोकॉल भी हुआ करता है, जो कि आम चीज़ों से हटकर होता है। मक्का और मदीना शहर का खास प्रोटोकॉल इसे यहाँ के रहने वाले लोगों ने नहीं दिया, और ना ही दुनिया भर के मुसलमानों ने अपनी अकीदत और एहतराम की वजह से दिया है, बल्कि इसे ये प्रोटोकॉल दिया है अल्लाह ने। और वो ये है कि यहाँ पर कोई भी गैर मुस्लिम जो के नापाक है इस पाक सरजमीन पर दाखिल नहीं हो सकते। अच्छा, मदीना में भी है। करीम की सूरह अत्तौबा आयत 28 के अंदर अल्लाह पाक मुसलमानों को हुक्म देता है कि ऐ ईमान वालों, मुशरिक नापाक है तो इस साल के बाद वो मस्जिदुल हराम के करीब ना आने पाए, और अगर तुम्हें मोहताजी का डर है तो अल्लाह ताला चाहेगा तो अपने फजल से तुम्हें दौलतमंद कर देगा, बेशक अल्लाह ताला इल्म व हिकमत वाला और सब कुछ जानने वाला है। कुरान करीम की इन आयात के अंदर मक्का शहर में मस्जिदुल हराम के अंदर गैर मुस्लिमों का दाखिला मुकम्मल तौर पर बंद करने का हुक्म इसीलिए दिया गया है कि वो इस जगह की ना तो अहमियत को समझते हैं और ना ही इसे एक टूरिस्ट प्लेस से ज्यादा मुकद्दस समझते हैं। मगर इसके साथ साथ मक्का के बाद मदीना मुनव्वरा भी मुसलमानों के लिए इतना ही अहम और मुकद्दस है कि यहाँ पर भी किसी भी गैर मुस्लिम का दाखिला मुसलमानों के लिए इतना ही तकलीफ देह है जितना कि मक्का के अंदर, क्योंकि गैर मुस्लिम इस जगह की अहमियत को बिल्कुल भी नहीं समझते। और अगर खुलेआम इन्हें इस जगह पर दाखिले की इजाज़त मिल जाए तो आप सोच सकते हैं कि कुछ ही दिनों के अंदर ऐसे शर्मनाक तोहीन अमेज वाकयात हमें मुसलसल सुनने को मिलते रहेंगे जो कि आपने आज से पहले कभी नहीं सुने थे। क्योंकि आप जानते हैं कि हर टूरिस्ट तो पढ़ा लिखा और तहजीब याफ्ता तो नहीं होता, और अपनी जहालत के अंदर कुछ भी ऐसा कर सकता है जो कि मुसलमानों के लिए इंतहाई तकलीफ दे हो, इसीलिए ऐसी खास जगहों का खास किस्म का प्रोटोकॉल हुआ करता है। हाल ही में एक इंतहाई अफसोसनाक वीडियो मदीना मुनव्वरा के बाहर से देखी गई, जिसके अंदर भारतीय जनता पार्टी की एक मिनिस्टर ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट स्मृति ईरानी को मदीना मुनव्वरा के बाहर मीडिया और सऊदी ऑफिशियल्स के साथ एक ऑफिशियल दौरे पर स्टेट प्रोटोकॉल के साथ देखा गया। इस मुकद्दस जगह पर इस औरत ने अपने सर तक को नहीं ढांपा हुआ था, और ना ही इसे इस जगह के कोई अदब का ख्याल था, क्योंकि जैसा कि मैंने पहले बताया कि सर ढकने की लोगों के लिए इन जगह टूरिस्ट प्लेस से ज्यादा कुछ भी नहीं होती। अब भारतीय जनता पार्टी कितनी बड़ी एक्सट्रीमिस्ट है और मुसलमानों पर हिंदुस्तान के अंदर कितने जुल्म कर रही है ये तो एक अलग बहस है, लेकिन ये औरत बकायदा खुद मुसलमानों के खिलाफ हमेशा जहर उगलती रहती है। और इसी औरत को स्टेट प्रोटोकॉल के अंदर इस मुकद्दस जगह पर बुलाकर इस जगह की ना सिर्फ तोहीन की गई है बल्कि दुनिया भर के मुसलमानों के मुंह पर एक तमाचा है। सऊदीया के इस प्रोटोकॉल ने इस गैर मुस्लिम को दुनिया की ऐसी पहली औरत बना दिया है जो कि इस मुकद्दस जगह पर विजिट कर रही है। आई मीन सऊदी हुकूमत को कोई फर्क नहीं पड़ता, बल्कि वो इस जगह को दुनिया भर के मुसलमानों की नहीं बल्कि अपनी मलकियत समझते हैं। अब आप जानते हैं कि ये सिलसिला शुरू होगा तो मजीद एक्सट्रीम तक बढ़ता जाएगा, और बहुत जल्द आपको मस्जिद नबवी के अंदर और हरम काबा के अंदर भी ये काफिर स्टेट प्रोटोकॉल के साथ घूमते नजर आएंगे, लेकिन कोई भी चाह कर भी कुछ नहीं कर सकेगा, जैसे इस वक्त सब खामोश हैं।
और सिर्फ मस्जिद नबवी ही नहीं बल्कि इस औरत को ओहद पहाड़ और मस्जिद कुबा का भी दौरा करवाया गया और यहाँ के मुसलमान खुशी के अंदर इसके साथ ऐसे सेल्फियां ले रहे थे जैसे ये बहुत ही बड़ा कोई बरकत का काम है या फिर इस औरत ने कुछ ऐसा कोई बहुत बड़ा मार्का सर अंजाम दिया है जो कि इससे पहले कोई नहीं कर सका। शर्म से डूब मरने का मकाम है। अब बाजाहिर तो ये औरत हज के लिए, अब मेरे हिसाब से ये है कि वहाँ पे जो लोग हैं, अगर वहाँ के लोग और वहाँ की गवर्नमेंट, जैसे हमने देखा कि सऊदी गवर्नमेंट अभी बहुत ज़्यादा ओपन अप होने की कोशिश कर रही है, चाहे हमने वो लास्ट ईयर रियाद में देखा था कि बहुत बड़ी पार्टी होस्ट की थी, तो अभी ऐसे वो कोशिश कर रहे हैं, तो मेरे ख्याल से वही सब यहाँ पे कोशिश की जा रही है कि इंडियन गवर्नमेंट को बुलाया जा रहा है और ताकि सब अच्छे से और लोगों को और ऑल इन्वॉल्व किया जाए, बिकॉज अब उनको ही पता है कि आगे टूरिज्म से ही उनका चलने वाला है बहुत अच्छी चीज़ें, तो ये एक वैसे तो एक अच्छा स्टेप है, पर हाँ अगर वो जगह की सैंक्टिटी है तो फिर, पर मेरे ख्याल से मक्का की वो शायद उन्होंने वैसे रखा हुआ मदीने में यहाँ पे वो लेके आए हैं उनको। और साथ में ये भी चीज़ है कि जो वो कह रहे थे कि स्मृति ईरानी ने बहुत गलत बोला, मेरे को जितना याद है उन्होंने ऐसा कुछ कभी खुद नहीं बोला है या खुद ऐसे कुछ नहीं हुआ है। दिए जाने वाले हिंदुस्तानी मुसलमानों की सहूलियात का जायजा लेने के लिए पूरे वफद के साथ यहाँ पर आई थी, लेकिन जो औरत खुद मुसलमानों के खिलाफ नफरत अंगेज बयानों के लिए जानी जाती है, इसे हज के लिए आने वाले मुसलमानों को मिलने वाली सहूलियात की फिक्र हो रही है, कितनी अजीब सी बात है। लेकिन असल मामला कुछ और है। असल में सऊदी अरेबिया क्योंकि एक इस्लामी मुल्क है और सऊदी अरेबिया के अंदर हिंदुस्तान के लाखों लेबर काम करते हैं जो कि हर साल यहां से पैसे कमाकर अपने मुल्क वापस बेचकर हिंदुस्तान की इकोनॉमी को सहारा देते हैं, और पिछले कई सालों से हिंदुस्तानी मुसलमानों पर जुल्म की वजह से भारत और सऊदीया के ताल्लुकात काफी खराब चल रहे थे, लेकिन अब इन ताल्लुकात को बेहतर बनाने के लिए एक स्टेट विजिट किया गया जो कि जाहिर है कि हिंदुस्तानी मुसलमानों को दी जाने वाली सहूलियात को प्रोपेगेंडा बनाकर किया गया, जो कि सिर्फ और सिर्फ एक पॉलिटिकल और माशी फायदा उठाने के लिए किया गया एक विजिट है, ना कि मुसलमानों से किसी हमदर्दी की बुनियाद पर, जिस तरह इससे पहले अल्लाह के कानून और इस्लामी रिवायात की धज्जियां जिद्दत के नाम पर सऊदी अरेबिया के अंदर उड़ाई जा रही हैं, बिल्कुल इसी तरह से आने वाले वक्तों के अंदर अगर हमने आवाज ना उठाई तो ये फितना मक्का और मदीना के अंदर भी दाखिल होना शुरू हो जाएगा और हम फिर भी खामोश ही रहेंगे। इससे पहले भी कई गैर मुस्लिम टूरिस्ट मस्जिद नबवी के अंदर दाखिल होने की कोशिश कर चुके हैं, जैसा कि ये एक वीडियो जो कि बहुत ही पुरानी है, कुछ अर्सा पहले कोई वेस्टर्न लड़कियां वल्गर लिबास के अंदर मस्जिद नबवी को एक टूरिस्ट प्लेस समझकर यहां पर दाखिल हो गई, जिन्हें बाहर से ही सऊदी पुलिस ने समझा कर बाहर भेज दिया। इसके बाद एक यहूदी बेंतजान ने अचानक मस्जिद नबवी से अपनी तस्वीर भेजकर पूरी दुनिया को हैरत में डाल दिया। इसके अलावा एक इसराइली सहाफी जो कि प्रेसिडेंट ओबामा यानी साबिक अमरीकी सदर की प्रेस कवरेज के लिए यहाँ पर आया था, अचानक से यहाँ पर घूमता हुआ पाया गया। ये वाकया बेशक सऊदी अथॉरिटी की मर्जी के खिलाफ थे, मगर जिस तरह से आज सऊदी प्रोटोकॉल के अंदर एक गैर मुस्लिम औरत को इसकी इजाजत दी गई है, वो ये बता रही है कि बहुत जल्द टूरिज्म के नाम पर सऊदी हुकूमत भी यहाँ पर लोगों को खुलेआम घूमने फिरने की इजाजत दे देगी और दुनिया भर के मुसलमान चाह कर भी कुछ नहीं कर पाएंगे। मगर दोस्तों, हमने मिलकर सोशल मीडिया पर इसके मुतालिक सवाल उठाकर इन अथॉरिटीज को शर्म दिलवाकर इसे रोकने की कोशिश जरूर करनी है कि शायद अल्लाह के खौफ से नहीं तो अवाम के खौफ से ही अपनी इसलाह कर लें, शायद के तेरे दिल में उतर जाए मेरी बात। अल्लाह ताला हमें समझने की और नेक अमल करने की तौफीक अता फरमाए। जैसे कि फार्मर ने कहा ही था कि स्मृति ईरानी को सिर्फ इसलिए लिया गया अंदर ताकि इंडिया और जो इंडिया और दुबई है उनके जो रिलेशनशिप है वो बिल्कुल अच्छे होते जाए, लेकिन हाँ मेरे को पता है कि ये जो मुस्लिम्स हैं उनके सेंटिमेंट्स को तो ऑब्वियसली बात है हर्ट हुआ ही होगा, लेकिन वही बात है ना कि वो अंदर नहीं गए थे, वो बाहर गए थे। और मुझे एक चीज स्मृति ईरानी की बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी, वो ये थी कि जब उनको पता है कि जो मुस्लिम्स है वो इतना ज्यादा उस चीज को मानते हैं तो कम से कम ज्यादा कुछ नहीं, उनको सिर्फ अपना सर ढक लेना चाहिए था। चलो अगर वो विजिट किए भी तो वो ऑब्वियसली बात है कि गवर्नमेंट जो सऊदी गवर्नमेंट है उन्होंने ही उनको अलाउ किया होगा तभी वो विजिट किया, इवन वो उनके साथ खुद भी थी, है ना। लेकिन बस ये रहा कि स्मृति ईरानी अगर शायद अपने सर को ढक लेती तो शायद ज्यादा अच्छा रहता, तो शायद मुस्लिम्स के जो सेंटिमेंट्स है वो ज्यादा हर्ट नहीं होते। बाकी मुझे सीरियसली इतना चीजें मतलब कि नहीं बुरी लगी कि वो गए, है ना, बस ये था कि वो अंदर तो नहीं गए थे, क्योंकि और ऐसा भी होता है कि अब जो इंडिया है, और एक चीज इसमें ये भी बोली कि जो इंडिया है वहाँ पे मुस्लिम्स के बहुत ज्यादा दिक्कत की बात है, बुरे हाल है, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप मतलब कि मेरे को नहीं पता कि जो ये वीडियो बनाते हैं वो पाकिस्तान से है,
कि वो इंडिया से है, लेकिन मैं इतना ही बोलूंगी कि मेरे बहुत सारे मुस्लिम फ्रेंड्स हैं, तो उनके तो कुछ ऐसा तो है नहीं, वो हमारी तरह ही जीते हैं, जैसे हमें राइट्स हैं उनको भी वैसे ही राइट है। तो मुझे नहीं पता कि इन्होंने ये क्यों बोला है कि इंडिया में जो मुस्लिम्स हैं उनके बहुत बुरे हाल है। वही, और देखा जाए तो वहाँ पे 1 2 3 गो, वही मेरे हिसाब से कुछ ज्यादा प्रोपगेट कर दिया है बातों को, ऐसा लग रहा था देख के। और साथ में मेरे ख्याल से अगर सऊदी गवर्नमेंट ये चाह रही है कि थोड़ा इंक्लूसिवनेस बढ़े, तो मेरे ख्याल से उसमें कुछ गलती भी नहीं है उनकी, और वो लोग अपने हिसाब से ही स्टेप्स लेंगे, और वो अच्छे तरीके से सोच समझ के ही स्टेप्स ले रहे होंगे, ऐसा एक्सपेक्टेड रहेगा। बिकॉज उनको भी पता है उनके ऊपर कितने सारे मुस्लिम ऑडियंस और लोगों का एक भार है जिनको वो चीज़ सोच समझ के करनी है, तो शायद वो कर रहे हो। और काफ़ी गवर्नमेंट ने और काफ़ी लोगों ने कंसल्ट करके ये चीज़ की होगी। आप लोग का इसमें क्या कहना है, तो मैं इसमें ज़रूर बताएगा। जैसे लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। बाय।